आज मैं जा रही हूँ कोल्हापुर, क्योंकि मुझे ना महीने का सामान लाना है। और पिछले 7 दिनों से इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और ऐसा प्रडिक्शन है कि नेक्स्ट 7 डेज भी बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। सो मैंने सोचा कि जाके राशन लेके आ जाती हूँ, जो कोल्हापुर से मिल लाती हूँ। और ये देखो, हमारा जो नेचुरल पॉन्ड है ना, वो पूरा डब्बा डब भर गया है। सो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अपन चलते हैं कोल्हापुर और थोड़ा सा सामान लेके आ जाते हैं। तो आपको दिखाती हूँ कोल्हापुर का रास्ता, और मैं हूँ अपनी वैगनर में और जा रही हूँ कोल्हापुर में। तो देखते हैं कितनी देर लगती है, रास्ता कैसा रहता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मेरी है ना, आप सब जो मेरे व्यूवर्स हैं, उसमें जो फीमेल व्यूवर हैं, तो मुझे आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करनी है, एक बात कहनी है कि आपको यदि ड्राइविंग नहीं आता है ना, और यदि आपके घर में कार है, तो आप ड्राइविंग ज़रूर सीख लें। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मुझे कुछ लाना रहता है तो मैं खुद गाड़ी निकालती हूँ और लेके आ जाती हूँ। नहीं तो यूजुअली हम ऐसे करते हैं ना, चलो ना मेरे साथ, चलो ये चलो। तो आपके घर यदि गाड़ी है, तो आप ज़रूर ड्राइविंग सीख लीजिए, सो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। सो ये है, देखो कितना सुंदर सा रास्ता, बहुत ही सुंदर रास्ता है। सो ये है पुणे बैंगलोर हाईवे, और अभी कोई नहीं है पूरे रास्ते पे, ऐसा लग रहा है गाड़ी मेरी, रास्ता मेरा ही है। तो अभी बजे दोपहर के 2, तो कितनी देर में मेरा काम कंप्लीट होगा। आप देखिए रास्ता कितना सुंदर है, एंड आई एम टेकिंग केयर, डोंट वरी। नदी में देखो कितनी बाढ़ आ गई है, ओवरफ्लो हो रहा है पानी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है। नदी पूरे मतलब इतनी भर के बह रही है ना, देखो नदी का रूप कैसा है, और नदी का पानी खेतों में जा रहा है। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए आपको नदी, ये अभी सीन है और कोल्हापुर जाते टाइम खेतों में पानी घुस गया है। पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी करीब मैं 10 किलोमीटर आगे आ गई हूँ, और कोल्हापुर के साइड में ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, कितनी तेज बारिश हुई है। तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि जाके मंथली जो राशन होता है ना, वो जाके कोल्हापुर से खरीद के लेके आ जाते हैं। बिकॉज लुक एट दिस, और आज प्रेडिक्शन है कि और तेज बारिश होने वाली। अभी बारिश का बोलेंगे तो अभी रुकी हुई है बरसात, अभी तो रुकी है, लेकिन कभी भी शुरू हो सकती है। तो आप खुद ही देखिए कितना बारिश का पानी भरा हुआ है। तो नमस्कार, मैं आरती सामंत, और आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर, और आप देखिए बारिश कितनी ज्यादा तेज है। और ये है बारिश में ना पूरा फ्लड आया हुआ है, आप भी देखिए फ्लड कैसा रहता है। कोल्हापुर करीब 35 किलोमीटर है, और मैं सिर्फ 50 या 60 की स्पीड पे जा रही हूँ, बिकॉज सामने ना बारिश का मौसम है, और मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रही हूँ, बहुत ही धीरे। तो मुझे पहुंचने में, जहां मुझे जाना है ना, जिन दुकानों पे जाना है, वहां पे पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 3 बज जाएंगे, क्योंकि अभी बचे 2:20, तो 3 बजे तक मैं पहुंचूंगी। रास्ता बहुत ही सुहाना है, मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रही हूँ, बट आई एम एंजॉइंग दिस ड्राइव रियली। अकेले गाड़ी चलाना, रेडियो सुनते सुनते, उसका मजा ही कुछ और रहता है। पानी कितना बह रहा है। तो हम बावड़ा की तरफ से कोल्हापुर जा रहे हैं, और बावड़ा के वहाँ पे एक नदी आती है, तो
कभी देखेंगे कि वो नदी कैसी है। थोड़ा सा गाड़ी में और थोड़े थोड़े वाटरफॉल भी हो रहे हैं। सो ये रास्ता बहुत अलग है और ये देखो पानी कितना बह रहा है। सो आज का मेरा ये ड्राइव बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नदी बावड़ा में जो नदी आती है ना, पंचगंगा नदी आई थिंक, वो नदी देखते हैं आज कैसी बह रही है, क्योंकि यूजुअली बारिश आती है तो एक बार तो भी वहाँ पे फ्लड आता है, तो आज देखते हैं वहाँ पे कितना पानी है। तो यहाँ से कस्बा बावड़ा 4 किलोमीटर है और देखो पानी कैसा बह रहा है, पानी उड़ेगा अभी यहाँ से देखो। सो हम जा रहे हैं कोल्हापुर, कस्बा बावड़ा के बाद फिर कोल्हापुर, तो देखते हैं अभी नदी आने वाली है तो नदी का कैसे हाल है देख देंगे। बारिश होती है तो ये नदी में तो पूर आता ही है। सो जब मैं निकली थी कोल्हापुर आने के लिए तो मुझे सबने कहा था कि ये देखना नदी में बाढ़ आई होगी, तो मैं गाड़ी यहाँ रोकती हूँ और आपको दिखाती हूँ नदी। सो दिस इज रिवर पंचगंगा, दिस इज ओवर फ्लोइंग, लुक एट दिस। और ये ब्रिज पे हर साल पानी आता है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो जब मैं कोल्हापुर आने वाली थी तो मुझे सबने कहा था कि ध्यान से जाओ, क्योंकि ये जो नदी है ना इसका पानी ये कस्बा बावड़ा में आता ही है, पर अभी तो नहीं आया है। इट्स ब्यूटीफुल इट इज, बट एट द सेम टाइम वेरी डेंजरस। आप फ्लो देखिए नदी का, ये है रिवर पंचगंगा जिसमें इतना पानी भरा हुआ है, वो वहां तक। देखते हैं आगे क्या है। तो मैं जा रही हूँ कोल्हापुर और आपको दिखाई पंचगंगा नदी। बावड़ा अभी पहुंचने वाले लेकिन और मौसम अचानक बदल गया है। पहले लग रहा था कि एकदम बारिश नहीं होगी, बट आप देखो घनघोर बारिश होने वाली है। सो मैं करीब मैं बहुत स्लो गाड़ी चला रही हूँ, पर आप देखो कितना सुंदर मौसम है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, डोंट वरी। आप देखो पानी देखो कैसे आ गया है, मुझे बहुत केयरफुली यहाँ से जाना पड़ेगा बिकॉज इट इज फ्लडेड। सी फ्लड है सब जगह, यहाँ से मैं जाने वाली हूँ बहुत धीरे। गाड़ी मैंने एक पे डाली है, पानी और पानी बढ़ रहा है, तो मुझे लगता आते टाइम मुझे दूसरी जगह से आना पड़ेगा। दिस इज कस्बा बावड़ा। आई थिंक कोल्हापुर की हिस्ट्री में ये बहुत ही पुराना, मतलब एक सेक्शन ऑफ कोल्हापुर है। तो इस मेरे दादाजी मुझे बोला करते थे कि कस्बा बावड़ा है कोल्हापुर में, वो आया करते थे, तो इसके लिए मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी कुछ हिस्ट्री पता नहीं। तो मैं ज़रूर इसकी हिस्ट्री, इस जगह की हिस्ट्री खोज के निकालूंगी। और यहाँ पे जो मंदिर है ना, ये संत तुकाराम का मंदिर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर, तो कभी आपको यहाँ लेके जाऊंगी। लेकिन अभी बहुत तेज बारिश होने लगी है, तो ये है कस्बा बावड़ा। तो ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है कोर्ट कोल्हापुर का, सत्र न्यायालय। ये बिल्डिंग नई है वैसे, पर ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आती है, फिर भी खूब नई नहीं है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी स्टाइल देखो आप, तो
और ये है कोर्ट एरिया, जिला न्यायालय। कोल्हापुर के बारे में मुझे बहुत ही कम जानकारी है, सो मुझे कोल्हापुर एक्सप्लोर करना है, तो जब मैं एक्सप्लोर करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कोल्हापुर कैसा है। ये बहुत ही सुंदर सिटी, और ये जो रोड है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पे मैं कभी वॉक भी किया है मैंने एक दो बार, लेकिन ये रास्ता मुझे बहुत ही पसंद है। आप देखो जंगल लगता है, ऐसा लगता है हम जंगल में कहीं आए हैं। कोल्हापुर बहुत सुंदर सिटी है। मुझे ना कोल्हापुर की गलियाँ देखनी है, अम्बा माता के मंदिर में भी जाना है, और भी बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं वो सब देखने, पास में पन्हाड़ा है वो जाना है, तो हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं पूरा मेरा शॉपिंग का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। गाड़ी से कैसे निकलना होगा, किस तरह मैं जा पाऊँगी। एक्चुअली जो दुकानें हैं वो रोड पे ही हैं, तो मुझे बहुत अंदर नहीं जाना है, बट फिर भी अभी तो बहुत ही तेज़ बारिश है। आप देख रहे हो ना, ये कोल्हापुर का वेल नोन रोड है। मुझे रोड का नाम नहीं पता, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ना कोल्हापुर सिटी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे अपना रास्ता पता है कि कैसे उन दो तीन दुकानों तक जाना और वापस अपने घर आना, बस उतना ही पता है। उतने रास्ते मैंने याद करके रखे हैं। सो देखो आज कोल्हापुर में कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और अभी रेड अलर्ट कहा है। सो मैं जल्दी जल्दी फटाफट शॉपिंग करूँगी और घर के लिए निकल जाऊँगी। तो ये है शाहूपुरी, और ये शाहूपुरी का ये घर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर घर है। तो हम आए हैं अभी शाहूपुरी, और यहाँ से हम जाएंगे राजारामपुरी। ये है राजारामपुरी, और ये इतनी सिस्टमेटिक ये एरिया है ना, यहाँ पे गलियाँ हैं, गली नंबर एक, गली नंबर दो, ऐसे करके 10 गलियाँ हैं। तो अभी 5 बज रहे हैं और मैं शॉपिंग करके वापस जा रही हूँ। उतनी ही तेज़ बारिश है, आप देख सकते हैं ना, तो मैं उसी रोड से जा रही हूँ। जितना मुझे सामान मिला वो मैंने सब शॉपिंग की, बहुत सारा सामान मिला नहीं क्योंकि बहुत सारी दुकानें बंद भी थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बट थैंक गॉड जो मुझे चाहिए था वो सब मुझे मिल गया। सो देखते जाते टाइम क्या क्या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, या ये सेफ जर्नी रहेगी, देखते रहिए आप भी। मैं जा रही हूँ बैक टू फार्म। तो अभी ये बैरिकेड खुला है, मतलब कि आगे रास्ता ठीक है, देखते हैं। फिर भी बारिश तो बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा, आप सामने देखिए हैवी। तो सामने जब मैं आ रही थी तो वहाँ पे पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी तो रोड ओपन दिख रहा है। आते टाइम मुझे पुलिस वाले भी दिखे थे, लेकिन अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं वहाँ आगे कैसी सिचुएशन है, और क्रॉस करते हैं पंचगंगा नदी को। लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश है, और अभी सिर्फ 5 बजे, और मैंने ये इतनी सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी, सब लगने वाला सामान था। और अभी बजे हैं 5:05, तो देखते हैं फार्म तक कितनी बजे पहुँचते हैं, और ये मेरी जर्नी कैसी रहेगी। तो नदी का पानी देखो भरा हुआ है, लेकिन मैं फर्स्ट गियर पे निकाल लूँगी यहाँ से। आपने यहाँ यदि मेरी गाड़ी रुक गई ना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो देखो ये पानी में से मैं गाड़ी निकाल रही हूँ, निकल गई। तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है और मैंने गाड़ी निकाल ली। इतना एडवेंचर में ही था, इतना तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। सो और वो सामने देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। एक जो हर्डल था वो क्रॉस हो गया, और अभी आपको दिखाऊंगी नदी, नदी का पानी कैसा हो गया है। ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, और यहाँ
यहाँ पे ना मछलियाँ पकड़ते, बिकॉज बाढ़ में ना मछलियाँ आती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मछली पकड़ते हैं। ये देखो बाढ़ का, जैसे मैंने जाते टाइम आपको दिखाया था ना, वैसे अभी मैं आई एम गोइंग बैक। और सामने का रास्ता देखो कैसा है, ये देखो पूरी बाढ़ आई हुई है, पूरी बाढ़। सो अभी मैं आपको मिलती हूँ फार्म पे पहुँचने के बाद, बिकॉज अभी मुझे गाड़ी चलाना चाहिए अच्छी तरह से देख के। तो अंधेरा हो रहा है, अभी सिर्फ 5:10 हुए हैं, लेकिन अंधेरा देखो कितना हो गया है। सो अभी मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ ड्राइविंग पे और मिलती हूँ आपको फार्म पे पहुँचने के बाद। ये देखो पूरी बाढ़ आई हुई है, ये है पंचगंगा नदी की बाढ़। नदी तो उस तरफ है, लेकिन ये पानी देखो कहाँ तक आ गया है, वो वहां तक दिख रहा है पानी। एक बार तो आधा कोल्हापुर बाढ़ की चपेट में आ गया था, आई थिंक अगस्त 2019 में ये हुआ था। अभी भी यदि ऐसे ही बारिश होती रही 10 तक तो डेंजर है सब। और इसी के लिए मैं तेल वगैरह जो जिस दुकान से मैं लाती हूँ ना, वहाँ से लेके आ गई। देखो है ना, पूरा खेत में पानी घुस गया। गणपति बप्पा जा रहे हैं। तो आज मैंने अपने इस ब्लॉग में आपको दिखाया कि मैं शॉपिंग करने के लिए इस रेनी सीजन में मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी कोल्हापुर, और कैसे पंचगंगा नदी का में बाढ़ आई हुई है, और उस बाढ़ के पानी में से हमने गाड़ी निकाली और मैं पहुंच गई हूँ फार्म पे। करीब 40 मिनट की ड्राइव करने के बाद में मैं फार्म पे पहुंची हूँ, और अभी नदी आने वाली है तो मैं आपको नदी दिखाती हूँ कि नदी कैसी है और नदी में कितना पानी है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आरती सामन मिलती हूँ अब एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और यदि पॉसिबल रहा तो मैं आपको नदी का पानी एक बार दिखा देती हूँ जाते टाइम भी, कि नदी में कितना पानी बढ़ गया है। एंड सब गाड़ियाँ जा रही है, हम भी फार्म की तरफ जा रहे हैं, और मैं गाड़ी बहुत ही धीरे चला रही हूँ, करीब 40 की स्पीड पे, बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैवीली। को फास्ट चला के भी कुछ नहीं होता है, और वो देखो सामने नदी का पानी दिख रहा है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, या आई टुक ऑल द प्रिकॉशन, और ये देखो नदी का पानी। और जस्ट 5 मिनट में मैं फार्म पे पहुंच जाऊंगी। बाय, टेक केयर।